बड़ी खबर यह है कि कोरोना की जो दूसरी वेव है वो बेकाबू होती जा रही है, लहर बेकाबू होती जा रही है और लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना से 355 लोगों की मौत हो गई है। 104 दिनों बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 139 लोगों की मौत हुई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 64 लोगों की जान गई है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने है। मुंबई लगातार वहां पर लापरवाही जो हुई है वो भारी पड़ी है और कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 355 लोगों की जान गई है। राजधानी में भी खौफ है। देश के दो सबसे बड़े मेट्रो सिटीज यानी मुंबई और दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने लगी है। मार्च के महीने में मुंबई का डेली केस काउंट तकरीबन 1000 से बढ़कर 6000 तक जा पहुंचा है। तो मुंबई के हालात को देखते हुए दिल्ली भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि दिल्ली में भी इन्फेक्शन रेट का बढ़ना लगातार जारी है और यही वजह है कि सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित है और कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। हमें ये हिदायत दी गई है कि भाई तैयारी रखो, अपने बेड्स की संख्या को बढ़ाइए।